हेलो दोस्तों मैं फिर से आपके लिए एक वैकेंसी एडवर्टीज़मेंट लेके आया हूँ जिसमें कि काफ़ी सारी पैरामेडिकल की वैकेंसीज़ हैं जो कि ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सारी इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी के रिगार्डिंग तो वीडियो को आंटेक बने रहिए ये सारी जानकारी लेने के लिए दोस्तों अभी हाल ही में ग्रुप बी और ग्रुप सी पैरामेडिकल पोस्ट के लिए काफ़ी सारी वैकेंसीज़ एडवर्टाइज हुई हैं जो कि चंडीगढ़ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के लिए है तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या पोस्ट है इसमें और इसकी लास्ट डेट क्या है उसकी एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है ठीक तो है तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि इसकी जो लास्ट डेट है इसमें ऊपर ही दिया गया है जो कि है इक्कीस अप्रैल दो शाम पाँच बजे तक यानी कि इसकी जो एप्लीकेशन भरने की लास्ट डेट है वो इक्कीस अप्रैल है जिसको आप शाम पाँच बजे तक इसमें भर सकते हैं तो सर इसमें काफ़ी सारी पैरामेडिकल स्टाफ की जो वैकेंसी है वो दी गई हैं इसमें नीचे हम देखेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसी है और इसकी जो वेबसाइट है वो यहाँ पर दी गई है जो कि है जी एम सी एच डॉट जी ओ वी डॉट इन आप इस साइट पे आपको जाना है और वैकेंसी वाले सेक्शन में जाना है और वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी तो सब नीचे पड़ते हो तो इसमें लिखा है नीचे कि जो एप्लीकेशनस है वो ओनली ऑनलाइन मोड से ही एक्सेप्ट की जाएंगी अगर आप ऑनलाइन आप के अलावा किसी दूसरे मोड से एप्लीकेशन भेजते हैं जैसे कि स्पीड स्पीड पोस्ट वगैरह तो जो आपकी एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी और रिजेक्ट कर दी जाएगी और उसके अलावा सेकंड पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि अगर आपको कोई टेक्निकल इश्यूज आता है रिगार्डिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन या फिर ऑनलाइन पेमेंट तो आप इन नंबर्स पर कॉल करके यहाँ उनको हेल्प ले सकते हैं और उनको कॉल करने का टाइमिंग वर्किंग डेज़ में है जो कि है दस से पाँच बजे के बीच में तो दोस्तों हम नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि वैकेंसीज़ यहाँ पर दी गई हैं, हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ये वैकेंसीज हैं ये रेगुलर वैकेंसीज नहीं हैं ये कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसीज हैं जिसमें कि आपको एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ सैलरी मिलेगा ठीक है ये डी रेट पर होता है इसको डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट रेट वाले इसमें जो सैलरी होती है वो दी जाती है इसमें फिक्स अमाउंट होता है इसमें ग्रेड पे के अकॉर्डिंग सैलरी नहीं दी जाती है यहाँ पर पहले नंबर पर है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ग्रेड वन जिसकी इसमें सैलरी है थर्टी थाउजेंड करीब है इसमें सैलरी और जो इसमें टोटल पोस्ट है वो पाँच है और इसमें बी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी मांगा गया है या फिर डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल एम में जिसमें कि कम से कम तीन साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है दूसरी जो सारी वैकेंसीज़ हैं ये डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है यानी कि डीसी रेट्स पर हैं और उसमें एक फिक्स अमाउंट ऑफ सैलरी आपको मिलेगा दूसरे दूसरे नंबर पर है फार्मेसी ऑफिसर जिसकी सैलरी अप्रॉक्स है ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड और उसकी टोटल जो वैकेंसी है वो तीन है इसमें डिप्लोमा मांगा गया है फार्मेसी में ठीक है या फिर बैचलर डिग्री और इसमें होनी चाहिए तीसरे नंबर पर है लैब्रेटरी अटेंडेंट इसकी सैलरी अप्रोक्स ट्वेंटी वन थाउजेंड है उसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है बारह है इसमें टेन प्लस टू मांगा गया है और इसमें एम का कोर्स भी इसमें मांगा गया है दोस्तों चौथे नंबर पर जूनियर रेडियोग्राफी टेक्नीशियन या फिर एक्सरे टेक्नीशियन इसकी जो मंथली सैलरी होगी वो अप्रोक्स ट्वेंटी फोर थाउजेंड होगी और इसमें जो टोटल जो पोस्ट है वो सिक्स है इसमें बीएससी मांगा गया है मेडिकल टेक्नोलॉजी यानी कि एक्सरे टेक्निक्स में ठीक है अगर आपके पास बी एस सी नहीं है डिप्लोमा है तो उसमें कम से कम एक साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है डिप्लोमा के साथ दोस्तों पाँचवें नंबर पर है ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट इसके सैलरी आप लोग ट्वेंटी फोर थाउजेंड है और उसमें टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं फाइव हैं और उसमें बी एस सी मांगा गया है ओ टी टेक्नीशियन कोर्स में अगर आपके पास बी एस सी नहीं है डिप्लोमा है तो आपको डिप्लोमा के साथ वन ईयर का एक्सपीरियंस इसमें देना होगा छठे नंबर पर है जूनियर डाइटिशियन इसकी जो सैलरी है अप्रोक्स थर्टी थाउजेंड है और इसकी टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ वन है उसमें जो क्वालिफिकेशन है वो एम मांगी गई है फूड एंड न्यूट्रिशन में या फिर बी एस होम साइंस में और उसमें वन ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मांगा गया है जो कि कम से कम हंड्रेड बेड हॉस्पिटल का होना चाहिए दोस्तों सातवें नंबर पर है फीमेल हेल्थ वर्कर जिसकी सैलरी होगी अप्रोक्स ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड और इसकी जो पोस्ट है वो वन है इसमें और उसमें जो ट्रेनिंग कोर्स मांगा गया है डिप्लोमा इन मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर जो कि रिकोगनाइज नर्सिंग काउंसिल के थ्रू होना चाहिए आठवें नंबर पर है ऑप्टोमेट्रिस्ट रिफेक्शनिस्ट इसकी सैलरी अप्रोक्स ट्वेंटी सिक्स थाउजेंट है और उसकी जो पोस्ट है वो वन है जिसे बी एस सी मांगी गई है ऑप्थेलिक टेक्निक कोर्स में ठीक है नौवें नंबर पर है जूनियर रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन इसकी सैलरी अप्रोक्स ट्वेंटी फोर थाउजेंट है और उसकी जो टोटल पोस्ट है वो दो हैं इसमें टेन प्लस टू साइंस मांगा गया है विथ टू ई ईयर रेडिशन थेरेपी डिप्लोमा कोर्सेज ठीक है दसवें नंबर पर प्लास्टर टेक्नीशियन इसकी सैलरी अप्रॉक्स ट्वेंटी वन थाउजेंड है और उसकी जो पोस्ट है वो वन है इसमें टेन प्लस टू साइंस मांगा गया है और इसमें टू ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मांगा गया है किसी लार्ज हॉस्पिटल में ग्यारहवें नंबर पर है असिस्टेंट डिस्पेंसरी सुपरिटेंडेंट इसकी सैलरी है अप्रोक्स ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड उसकी पोस्ट है वन इसमें बैचलर डिग्री मांगी गई है फार्मास्यूटिकल साइंसेज में ठीक है अगर आपका डिप्लोमा है फार्मेसी में तो इसमें वन ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है जिससे बारहवें नंबर पर है मॉर्चरी अटेंडेंट इसकी सैलरी अप्रोक्स एटीन थाउजेंड है इसकी पोस्ट है वन इसमें टेन प्लस टू मांगा गया है और किसी मॉर्चरी साइंस में इसमें डिप्लोमा या ग्रेजुएशन मांगा गया है तो इस थर्टीन नंबर पर है डेंटल टेक्नीशियन इसकी जो अप्रोक्स सैलरी है ट्वेंटी फोर थाउजेंड है और इसकी जो पोस्ट है वो वन है इसमें डेंटल मैकेनिक या फिर टेक्नीशियन का कोर्स होना चाहिए जो कि रिकोगनाइज होना चाहिए अप्रूव होना चाहिए डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया से तो दोस्तों इसमें, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट अगर हम देखें तो उसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट फोटी हैं यानी करीब चालीस करीब इसमें पोस्ट निकली हुई है सारी पोस्ट मिला के ग्रुप बी और ग्रुप सी की दोस्तों इसमें एक ज़रूरी स्किल मांगी गई है जिसमें कि है कंप्यूटर आपको चलाना आना चाहिए यानी कि आपको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और आपने कोई भी जो कोर्स है कंप्यूटर से रिलेटेड वो किया होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट रिकोगनाइज इंस्टीट्यूट से तो दोस्तों हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं कि कैसे अप्लाई करना है इसमें ऑनलाइन तो उसकी जो लास्ट डेट है वो इक्कीस चार दो है अप टू फाइव पी ठीक है और यहाँ पर वेबसाइट दी गई है वेबसाइट में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वैकेंसीज़ वाले सेक्शन में आपको जाना है वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करके फिर अप्लाई करना है और इसमें आगे बताया गया है कि इसमें जो रोल नंबर जो ई एडमिट कार्ड होते हैं वो आपको वेबसाइट पर ही अपलोड कर दिए जाएंगे और इसकी जो डेट होगी एग्ज़ामिनेशन डेट वो भी वेबसाइट पर आपको बता दी जाएगी तो आपको जो वेबसाइट है इसकी वो रेगुलरली विज़िट करनी है रेगुलर चेक करनी है अपने एडमिट कार्ड के लिए और एग्जामिनेशन डेट के लिए क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन डेट वगैरह है इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो वेबसाइट पर ही अपलोड करेंगे तो आपको रेगुलरली वेबसाइट को आपको विजिट करते रहना है और उसमें आगे दिया गया है कि इसमें जो फ़ोटो और सिग्नेचर वगैरह हैं जो जे पी जी फॉर्मेट में होने चाहिए जो कि पंद्रह के बी से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए तो ये सब आपको बातें ध्यान में रखनी है और आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको एक प्रिंट आउट उसका ले लेना है जो कि आपके फ्यूचर में काम आएगा और आपके एक एप्लीकेशन आईडी की तरह वो काम आएगा और इसमें दिया गया है कि जो पोस्ट हैं वो कम या ज़्यादा की जा सकती हैं ये पूरी तरह से उनका उनके ऊपर है और उसमें ये भी बताया गया है कि जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इनिशियली यानी कि पहले वन ईयर के लिए होगा उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस के बेस पर इसको आगे एक्सटेंड किया जाएगा आगे इसमें हम देख लेते हैं कि एज लिमिट कितनी है इसमें जो एज लिमिट है वो अट्ठारह से सैंतीस साल के बीच में दी गई है ठीक है यानी कि आप सैंतीस साल तक तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उसमें साथ में एस के लिए फाइव ईयर का रिलैक्सेशन है ओ के लिए तीन साल का रिलैक्सेशन दिया गया है और अदर कैटेगरी के लिए एज़ पर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स के अकॉर्डिंग इसमें रिलेक्सेशन दिया जाएगा इसमें जो जा अपलिकेशन फीस है वो शेड्यूल कास्ट के लिए यानी कि एस के लिए पाँच सौ है और जो जनरल कैटेगरी और ओबीसी और ई डब्ल्यू कैटेगरी के कैंडिडेट उनके लिए वन थाउजेंड रुपीज़ है और जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए फ्री है यहाँ पे भी बताया गया है कि जो एप्लीकेशन फ़ीस है आपको ऑनलाइन ही पे करनी है इसके अलावा कोई और दूसरे तरीके से जो आपकी पेमेंट है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी तो आपको बात ध्यान में रखना है कि आपको ऑनलाइन ही इसमें पे करना है इसमें आगे बताया गया है कि जो इसका रिटर्न टेस्ट है जो एग्जामिनेशन है वो चंडीगढ़ में ही इसमें आ, किया जाएगा ठीक है तो आपको चंडीगढ़ ही इसमें एग्जामिनेशन देने जाना पड़ेगा और आपको जो एडमिट कार्ड वगैरह है आपको इसकी वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है जब इसमें अपलोड किया जाएगा इसके अलावा एग्जामिनेशन से जुड़ी जो भी इंफॉर्मेशन है आपको वो रजिस्टर्ड ई मेल पर भी आपको भेजी जाएगी तो आपको दोनों के कॉन्टेक्ट में रहना है यानी कि आपको ई मेल भी अपनी चेक करती रहना है और इसकी वेबसाइट भी रेगुलरली चेक करते रहना है क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो इन दोनों पर ही अपडेट की जाएगी तो दोस्तों आपको भी ध्यान में रखना है कि आपको सिर्फ ऑनलाइन इससे अप्लाई करना है और पेमेंट भी ऑनलाइन ही होगी इसके अलावा कोई दूसरे मोड से यहाँ पर अप्लाई आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर आप दूसरे मोड से अप्लाई करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी अगर आपको कोई टेक्निकल इशू आता है यानी कि को कोई फॉर्म भरने से रिलेटेड या फिर पेमेंट के रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो आपको यहाँ नंबर्स दिए गए हैं इन नंबर्स पे कॉल करके आप इन पर हेल्प ले सकते हैं और ये जो नंबर्स हैं है, ये वर्किंग डेज में ही आ, काम करेंगे यानी कि नौ से पाँच के बीच में वर्किंग डेज में संडे वगैरह में ये नंबर्स बंद रहेंगे तो दोस्तों वैकेंसीज थी जो कि चंडीगढ़ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के लिए है तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाह चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इसमें अप्लाई मैंने सारी इसमें जो डिटेल्स है आपको बता दी है बाकी आप इसमें डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हो उसको तो मैं इसका पी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा नीचे आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं तो आपको एप्लीकेशन में अप्लाई करने से पहले आपको ये नोटिस अच्छे से पढ़ लेना है अगर आप एलिजिबल हैं तो ही आप अप्लाई करना है वरना नहीं अप्लाई करना है क्योंकि इसमें आपकी जो मनी है वो वेस्ट हो जाएगी तो ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों में या व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करें जिससे कि जो भी स्टूडेंट वगैरह हैं जो एस्पिरेंट्स हैं जो वैकेंसीज की तलाश में रहते हैं उनकी हेल्प हो जाए तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय